मिनट भाई, एक मिनट, विजुअल हो जाने दो। स्टोरीज फोर शॉर्ट फिल्म है एंड इट हैज बीन वेव्ड इन द फिल्म एंड सुष्मिता सेन इज द लिंक इन द फिल्म। जिशु जिशु बांग्लादेश बोल रही हूँ। एज फार एज बंगाली फिल्म आर कंसर्न्ड, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट ऑफ अ काइंड विच शूजीत मुखर्जी हैज डन एंड इट्स कम्प्लीटली इट्स अ वर्ल्ड सिनेमा आई वुड प्रॉबली कैटेगराइज at. So it's very different. It is something all the characters out here doesn't speak much. When you see the film, you understand what I'm talking about. How was the experience? This is my 90th film and experience has always been good. Jisshu, film and experience ke baare mein tu bole the Bangladesh. Bangla Babu? Yeah, Bangla. Bangla show bhi prothom Sushmita Sen korechen, so আমার খুব ভালো লেগেছে ওনার সাথে কাজ করতে অ্যান্ড শি ইজ আ ওয়ান্ডারফুল ওমেন, শি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট গর্জিয়াস ওমেন, তার সাথে কাজ করা ওয়াজ আ ডিলাইট। ফিল্মে বাইরে তো স্টোরি লাইনের বাইরে স্টোরি লাইন, যেটা চারটে গল্প আছে এখানে এবং চারটে ডিফারেন্ট গল্প। প্রথমটা একটি আয়না নিয়ে, দ্বিতীয়টা একটি গাছ নিয়ে, তৃতীয়টা একটি কুকুর নিয়ে এবং চতুর্থ একটি ডেড বডি নিয়ে। আর এই সবকটা ছবি একসাথে লিঙ্ক করে সুস্মিতা সেন। সো তুমি হিন্দি পিকচারে বাংলা পিকচারে কাজ করেছো, দুটো মধ্যে কি ডিফারেন্স পাও? বাঙালি ওকে দোনো হ্যায় বাঙালি বাঙালি ভি হ্যায় ভাই। বাঙালি ফিল্মে বাঙালি মে বাইক তো চাহিয়ে না। বলিউড মে কাজ করেছো, টলিউড মে কাজ করেছো, কি ডিফারেন্স হবে? Yes, I've worked in Hindi films and I've also worked in Bangla chobi. It's nothing much. There's no difference between Bangla chobi and Hindi chobi. Both the same, it takes time. Yeah, the budget in Bengali films are less, the Hindi films are more. So that's it, that's the only difference. Teacher, backside. No, I'm done. Hindi, Bengali films are less. Okay. सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे लिए पर्सनली एक बहुत ही अहम फिल्म है, क्योंकि ये मेरी पहली बंगाली फिल्म है। मेरे को स्टार जीशु जी तो मतलब ही इज़ अ लेजेंड ऑलरेडी। ही डन सो मेनी फिल्म्स दैट ही वट एवर ही सेड टू यू राइट नाउ ही सेड इट विद अ स्ट्रेट फेस एंड ऑल, बट इज अ मैसिव स्टार इन बंगाल एंड एन एब्सोल्यूट डिलाइटफुल एक्टर टू वर्क विद। बट मेरे लिए ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं इतने सालों से कोशिश कर रही थी कि एक बंगाली फिल्म करूँ एंड फाइनली व्हेन आई डिड डू अ फिल्म, इट वाज अ फिल्म लाइक निर्बाक, जो एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, कमर्शियल आर्टी पैरेलल, इसे किसी एक जॉनर में नहीं डाल सकते बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फिल्म। आज हम दोनों यहाँ पर हमारे डायरेक्टर को बहुत मिस कर रहे हैं, श्रीजीत मुखर्जी। ही मेट विद एन एक्सीडेंट एज यू ऑलमोस्ट हैव रेड अबाउट अ वीक अगो इन दिल्ली आफ्टर रिसीविंग हिज नेशनल अवार्ड। और इस फिल्म के बारे में सबसे खूबसूरती से इसे जो सजाया है, बताया है, द डिफरेंस इन द वे इट्स बीन मेड, आई विश दैट आवर डायरेक्टर वाज हियर टू टेल यू दैट बिकॉज वो बहुत खूबसूरती से मैंने आज अपने बहुत करीबी दोस्तों को, जो वेल विशर्स हैं, जिन्होंने शुरू से निर्बाक के बारे में पूछताछ की, दे ऑल वांटेड, आई एम गोइंग टू मिस मिस्टर महेश भट्ट टुनाइट, ही इज डाउन विद अ वायरल फीवर, वो आना चाहते थे एंड एज यू नो ही इज माय फर्स्ट डायरेक्टर एवर, सो आई एम गोइंग टू मिस हिम, बट द रेस्ट ऑफ द गैंग विल बी हियर एंड वी विल गेट टू मीट देम वंस दे स्टार्ट वॉकिंग। वेरी हैप्पी।
जी मुझे एक्चुअली शूटिंग में सिर्फ एक ही चीज़ में बहुत जेलसी फील होती थी कि जीशु सेनगुप्ता का अटेंशन एक फिल्म में एक डॉग है जिनका नाम है बिच है जिसका नाम है बिंगी और बिंगी पे बहुत ध्यान दिया है इन्होंने फिल्म पे एंड आई फील वेरी बैड अबाउट दैट बिकॉज आई एम सपोज टू बी हिज लव इंटरेस्ट इन द मूवी बट अदर देन दैट आई थिंक इट वाज जस्ट एन एक्सपीरियंस कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसे करने के बाद आपको लगता है दैट यू ट्राइड समथिंग डिफरेंट इट इज़ नॉट योर यूजुअल सिंगिंग डांसिंग ग्लैमरस काइंड ऑफ अ फिल्म इन फैक्ट आई थिंक जीशु एंड आई आर द ओनली टू नॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ द फिल्म एवरीबॉडी एल्स हैज अ क्वर्क अटैच्ड टू इट They were like an institute. I know I have to say this in Bengali, but I don't know how to say it in institute in Bengali. But for me, Sheita theke jabe as an experience. Yeah, ami prothom cinema korlam ar it got to be something like Nirbaak. Tumi Banglate dub korechilo koto mushkil chilo ota. Banglate dub korechile. Banglate dub korechile koto difficult chilo ota. Nirbaak er jonno dubbing difficult ei jonno chilo na keno ki amar director amar shonge boshe amar ja dubbing koriyechen. It was like a 2-year-old ke porashono korano. So it was quite interesting and amar bhoy ta je ekta chilo je bangla bolte parbo na that fear is gone now. So आई थिंक मज़ा तब आता है किसी भी फिल्म को देखने में जब आप स्क्रिप्ट के हिसाब से कास्ट करें अब जो भी कोई भी टू मी रियली डजंट इंटरेस्ट मी सो मच द स्क्रिप्ट डज और जब स्क्रिप्ट अच्छी होती है एंड इट्स कास्टेड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स नीडेड देन एनी जोड़ी लुक्स मैग्निफिसेंट